कोई भी अगर मान लेते हैं पहले वहां पे अज्यूम कर क्या होगा हमारे सेशन सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, वीडियो कैसे बनेगी, क्या होगा, कितना सोचा था कि कितना अच्छा होगा, ये सब बेकार, कितना मनहूस हो आप लोग यार, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आसान है। थैंक यू जी, लव यू टू। सर 2 मिनट दे देना देखने के लिए तो। हाँ हाँ आराम, मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं नहीं यहीं से ठीक है, बीवी ने कैमरा लगाया हुआ। आपका इस दुनिया में आने के लिए धन्यवाद। मेरे दुनिया में आने के लिए धन्यवाद मेरे माँ बाप को दो, जो किया उन्होंने। हर वीडियो में एक से एक मेरे से एक बंदे ने पूछा था, कहता सर आपके पास इतने कपड़े कहाँ से आते हैं। मैं कहा मेरे पास कपड़े ज़्यादा नहीं है, पैसा ज़्यादा है। मैं कॉलेज में थी, बहुत अपसेट सी थी, मूड ऑफ था जब ये मैसेज आया कि मैं शॉर्टलिस्टेड हुई हूँ, और मैं बस चीख नहीं सकती थी क्योंकि मैं लैब में थी। तो मैं फटाक से वॉशरूम में गई थी और मैं ऐसे कर रही थी कि क्या हो रहा है, कि क्या तो अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ आज क्या होने वाला है। आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में घूम रहे हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस क्वेश्चन के ऊपर ऑलमोस्ट सब अपने हाथ ऊपर करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा। अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया खुदा ना खास्ता जिस पे किसी ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया तो आप जलील होकर के बैठे। जो भी क्वेश्चन आप पूछने वाले हो ऐसा होना चाहिए जो आज से पहले मैंने डीपली टच नहीं किया है, और ऐसा जिसमें बाकियों का भी सबका इंटरेस्ट हो। हाँ आप बोलिए प्लीज़। सर हम सब की एक इंडिविजुअलिटी होती है, हम सब कुछ डिफरेंट सोचते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसके कंपैरिजन में हमारी सोच बहुत डिफरेंट हो जाती है। फिर एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि सब कोई आपको क्रिटिसाइज़ करने लगता है कि आप डिफरेंट सोचते हो। क्रिटिसिज्म का लेवल पर इस हद तक आ जाता है कि लोग आपको बिल्कुल ही गलत समझने लगते हैं। कैसे इस चीज़ को हम करें कि नहीं हम सही सोच रहे हैं, हमें सामने वाले को अंडरस्टैंड कराना है कि वो गलत है, इस पॉइंट पर हम सही हैं। और इस जगह मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँ। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि हम सामने वाले को कैसे रियलाइज़ कराएं कि वो गलत है और हमारा जो पॉइंट है वो सही है। Yes. सबसे पहले तो इस आदत से हमको बाहर आना है, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो सही है गलत है उस पर पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। हम ये कभी नहीं करते हैं। सबको यही लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। माँ बाप को यही तो लगता है कि जो मैं बच्चों के लिए सोच रहा हूँ वो ठीक है। यही तो लड़ाई झगड़े की जड़ है, और क्या है। बच्चे यही सोच रहे हैं कि जो हम अपने लिए सोच रहे हैं वो ठीक है। हस्बैंड कह रहा है जो मैं सोच रहा हूँ इस रिलेशनशिप के लिए वो ठीक है। वाइफ कह रही है जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है। और दोनों एक दूसरे को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि मैं सही हूँ तू गलत है। यही तो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपना एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ बना लेंगे कि भाई नॉन वेजिटेरियन होना गलत है, वेजिटेरियन होना ठीक है, घास फूस मतलब अच्छा है और नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो लोग सब गंदे लोग हैं, वट एवर। तो आप नहीं भी चाहोगे तो जैसे ही कोई ऐसा बंदा आएगा तो आप उसको जज करने लग जाओगे। नहीं भी बोलोगे तो आपके फेस पे नजर आ जाएगा, आपके फेस पे मतलब उसको समझ आ जाएगा कि यू डोंट लाइक दैट पर्सन। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। हमने अपनी सोच को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ही ठीक है, जो वो सोच रहा है वो गलत है। द मोमेंट यू से कि जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है तो बाकी अपने आप ही गलत प्रूव हो गए, जिनकी भी सोच आपकी सोच से मैच नहीं होती। तो समझदारी इसे कहेंगे कि हम पहले अपनी खुद की सोच पे ही एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। तो आई विल बी हम्बल, आई विल नॉट बी एरोगेंट। एरोगेंस आती है ना, ये आती है अपनी सोच को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेने से। आप समझ पा रहे हो ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ध्यान से समझना मैं आपको क्या कर रहा हूँ। मैं जिस तरह से सोचता हूँ उसकी जो फाउंडेशन है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। हम सोचते कैसे हैं, किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे सोचते हैं, बिना इंफॉर्मेशन के हम सोच सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन की क्या क्रेडिबिलिटी है जिसके बेस पर हम सोच रहे हैं। तो हाउ कैन यू बी श्योर कि जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए भी सही है। डू वी एक्चुअली नो कि सही क्या है। We don't know that, Jay. जैसे ही समझ आ जाता है तो you become absolutely humble. Every information is limited. पहले इसको अच्छे से समझ लेना. Again deep हो जाएगा थोड़ा सा. I'm not too sure. देखो हमारे लिए जो दिन है क्या वो चमगादड़ के लिए रात नहीं है? तो सही इन्फॉर्मेशन किसको कहेंगे कि ये दिन है या ये रात है? सच क्या है कि ये दिन है अभी यहाँ पर या रात है? सर दिन है. दिन है. अच्छा ये सच है. समझाओ चमगादड़ को, कन्विंस करो. कैन यू कन्विंस? नहीं सर. दैट चमगादड़ क्या वो आपको कन्विंस कर सकता है? नहीं सर. तो हो क्या रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है ये इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आती है? इन सेंसेस के थ्रू आती है. ये सेंसेस ही लिमिटेड है. इन सेंसेस के थ्रू जो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम सही मान लेते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं है. अगर आप साइंटिफिकली इस बात को समझोगे कि जो भी हमको अपने सेंसेस से दिख रहा होता है वो सच नहीं होता है. जैसे सेंसेस के थ्रू क्या दिखता है? आसमान नीला है. क्या सच में आसमान नीला है? आप में से किसी को यहाँ पर लाल रंग दिख रहा है और लाल के भी अलग अलग शेड्स हैं. तो आपको नहीं पता है मुझे लाल का कौन सा शेड दिख रहा है. यहाँ पर अगर हम इस पर बहस करना शुरू कर दें तो एंडलेस आर्ग्यूमेंट है. एग्जैक्टली. इन्फॉर्मेशन नो मैटर वो कहां से आ रही है, क्या आ रही है, एवरी इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड. ये साइंस को पता है. कुछ भी डिस्कवर करते हैं तो जब करते हैं बोलते हैं हाँ यही सबसे छोटा पार्टिकल है, फिर उसके बाद में खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं. तो क्या हो रहा है, आप किसी भी तरह से कुछ भी कर लो, यू कांट बी श्योर अबाउट एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स. सेंसेस आर लिमिटेड. इट कांट सी द होल ऑफ एनीथिंग. It can just see a part of something. Somebody else will see another part of that thing. तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होनी है. तो जब ये समझ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन मार्क लगा करके बस वहीं पे रुक जाते हैं. The moment we do that, हमारे क्लैश होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं. तो सर क्या हम किसी की सोच के साथ अपनी सोच में मॉडिफिकेशन लेके आए? दोनों ही गलत है, क्योंकि उसकी सोच जो है, जो सामने वाला पर्सन है, उसकी सोच क्या है? क्या सिर्फ आपकी लिमिटेड है? उसकी भी लिमिटेड है. दोनों की लिमिटेड. उसकी भी लिमिटेड है, मेरी भी लिमिटेड है. लिमिटेड मतलब इनकम्प्लीट. इसका एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इनकरेक्ट. व्हाट इज एब्सोल्युटली करेक्ट? दैट कैन बी एब्सोल्युटली करेक्ट व्हिच इज करेक्ट फॉर एवरीबॉडी in all the situations. Only that we can call it as absolutely correct. Sir, that does not exist. That exists, but that is a different dimension altogether. तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे. जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी की भी हो, तेरी हो चाहे मेरी हो, इसकी हो चाहे उसकी हो, किसी की भी, कोई भी, कहीं पर भी हो, इन्फॉर्मेशन बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड. विदाउट इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे लाइव वो बात प्रूव हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ. क्या आपको पता है कि लाइट दोबारा जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं. मुझे पता है, लेकिन मैं मान लूँ कि अब नहीं जाएगी, आप मान लो कि जाएगी और हम आपस में लड़ते रहें. तो जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है कि आई कांट बी श्योर अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, विदाउट इन्फॉर्मेशन आई कांट थिंक, सो आई कांट बी श्योर अबाउट माई थॉट्स, सो जस्ट लेट इट बी. अब खेल खेल में एक दूसरे से हम बातें कर सकते हैं. अब कैसे बातें करेंगे? मुझे ये लगता है. दोनों में फर्क आ रहा है पकड़ में जी. मुझे ये लगता है, आई मे बी रॉन्ग. आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है. आप कहोगे सामने से, मुझे जो लगता है वही सही है. हाँ, हो सकता है वही सही होगा. नहीं नहीं वही सही है. लगता नहीं, हाँ हाँ वही सही है. जाओ जी लो अपनी जिंदगी. जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी. किसी भी रिलेशनशिप में या कहीं पर भी कोई भी बंदा बहुत ज्यादा श्योर है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, जो मैं सोच रहा हूं वो ही ठीक है, वो ही एरोगेंट है. और एरोगेंट लोग किसी को अच्छे नहीं लगते. तो बाहर बाहर से तो लोग उसके साथ में जुड़ जाएंगे, दिल से कोई नहीं जुड़ने वाला. दिल से लोग किसके साथ में जुड़ते हैं? जो आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट कर ले. एग्जैक्टली. आपको मेरे सेशन देखने में अच्छा क्यों लगता है? कभी सोचा है? बताऊं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये पूरी दुनिया आपको जताती है, बताती है कि जैसे आप हो वैसे सही नहीं हो, आपको ऐसे नहीं ऐसे होना है. Exactly. सब यही कर रहे हैं. मैं क्या कर रहा हूं कभी सोचा है? मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं आप जैसे हो परफेक्ट हो, जैसे ठीक लगे एक्ट करो, नहीं लगे तो एक्ट मत करो. किसी के बाप का कर्जा देना है समझ रहे हो, मतलब मैं आपको इतना सा भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, वो भी बड़े ही कूल तरीके से कि हाँ ठीक है, लेना है लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं जी, मैंने ठेका लिया आप लोगों का। तो जो ठेकेदार होते हैं ना, सो कॉल्ड ठेकेदार, वो कुछ टाइम तक तो हमको बड़े अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो ठेकेदार आपके माँ बाप हो, चाहे कोई बॉस हो, चाहे कोई सो कॉल्ड सोशल वर्कर हो, कुछ टाइम तक बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ इस बंदे ने हमारा ठेका ले लिया, लेकिन अंदर ही अंदर हमको उस बंदे से नफरत हो जाती है। हमें अच्छे लगते हैं दोस्त। दोस्त कौन होते हैं? अबे तू भी नकली, मैं भी नकली, आप बैठ करके खेलते हैं।